हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। और दोस्तों, फाइनली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एसटीए, जो यहाँ पे कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो एसटीए की रिक्रूटमेंट है या फिर हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, वो सारी आ चुकी हैं। फाइनली 268 वैकेंसीज इस टाइम है। और जैसा कि आयोग ने पहले ही बता दिया था कि 10 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी होगा, डिटेल नोटिफिकेशन वो आ चुका है। और जो लास्ट डेट है वो 10 मई है, और फाइनल करेक्शन वगैरह की लास्ट डेट 16 मई रखी गई है। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले 2 साल पहले ही अपॉर्चुनिटी आई थी। डेफिनेटली सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब का लेवल बहुत अच्छा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इस बार हम कह सकते हैं कि यूपी में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज आई है। फिर वो चाहे यूपीए, एसटीए, यूपी, SSSC, TA की बात हो या फिर UPSTA की बात हो। अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे चीजें क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अनरिजर्व के, यही है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब है उनके लिए यहाँ पे फीस दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी तरफ जाएंगे। ODR वाकई कैसे फॉर्म फिल करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं कि मेजर इसमें है क्या। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों ही लेवल पे वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए में भी है, ग्रुप बी में भी है। यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1, ओके। सो यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग ऑफिसर, इसकी 1 वैकेंसी है, ओके। यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 केमिस्ट्री ब्रांच में 22 वैकेंसीज हैं। सिमिलरली बॉटनी ब्रांच में 11 है, इकोनॉमी ब्रांच में 13 है, प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में 36 है। ये सब वो है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपमेंटल ब्रांच है, 34 वैकेंसीज यहाँ पे है। एसटीए की जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी में, वो 6 ब्रांच है और बॉटनी ब्रांच में 6 है। अगेन प्लांट प्रोटेक्शन में 98 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा इसमें हम देख सकते हैं प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में। और सिमिलरली केमिस्ट्री ग्रुप में 20 है और डेवलपमेंट ब्रांच में 21। ओवरऑल जो वैकेंसीज है 268 वैकेंसीज यहाँ पे है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि सैलरी का लेवल क्या है और किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ग्रुप ए भी आपने देखी, ये नीचे वाली जितनी भी ये ग्रुप है, ग्रुप ए है, और उससे ऊपर वाली आपने देखी थी ये ग्रुप 2 की है, ओके। ग्रुप 2 और या फिर ग्रुप B में ये मेंशन किया गया है, ग्रुप B ग्रेड 2। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे पोस्ट है इनका पे स्केल क्या है, 9300 से 34,800, और इसका ग्रेड पे क्या रहेगा, 4600 रुपीज, ओके, या से लेके 15,600 39,100 तक, मतलब ग्रेड पे 5400, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होता है, जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 में होता है। तो ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो ऊपर के हमने सीनियर देखी, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रुप 2, तो यहाँ पे डेफिनेटली पे स्केल काफी अच्छा रहता है, ओके। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 55,000 से लेके 95,000 तक वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, और जो मिनिमम स्किल है वहाँ पे भी 55,000 एंड अबव रहने वाली है। सो नो डाउट सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। रिजर्वेशन यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल होगा, बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर बाकी अदर कंडीशन को, मैरिटल स्टेटस का तो कोई खास नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो ग्रुप टू ग्रेड ए है, उसमें BSc AG या हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, बाकी ये सब प्रिफर्ड है। स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर में BSc आपका होना चाहिए केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, या फिर BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय 2 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स इन फूड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ, या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, या फिर MSc हो फूड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रिजर्वेशन में, या फूड साइंस में, ओके। सिमिलरली केमिस्ट्री ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, सॉइल साइंस या फिर सॉइल कंजर्वेशन में, ओके। देन सिमिलरली आप देखेंगे बॉटनी ब्रांच में, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर बॉटनी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लांट ब्रीडिंग में विद जेनेटिक्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट्री में आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और जो प्रेफरेंस दी जाएगी PhD स्टूडेंट्स को दी जाएगी। सिमिलरली एग्रोनॉमी ब्रांच में आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी, ओके। प्लांट प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो एंटोमोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी, इन दोनों में होना चाहिए। और अगर आपका MSc बॉटनी भी है तो स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, और MSc जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। अगेन PhD को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। सिमिलरली डेवलपमेंट ब्रांच में आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में। सो ये यहाँ पे जो हमारी हमने देखी ग्रुप बी की है वो यहाँ पे थी, ओके। सो इनके साथ साथ अगर हम बाकी डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे, जो बाकी चीजें तो रिक्वायर मतलब अगर आपके पास हैं तो ठीक है, प्रेफरेंशियल, अदरवाइज नहीं भी है तो भी चल जाएगा,
सो हमने यहाँ पे देखा ये वाली पोस्ट है जिसमें कि रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा, बट यहाँ पे कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें केवल क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, जिसमें है एसटीए इकोनॉमी ब्रांच में, यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमी में। सिमिलरली बॉटनी ब्रांच में है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एग्री बॉटनी या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन साइंस या फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में होना चाहिए। प्लांट प्रोटेक्शन में अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सॉरी एंटोमोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी में। केमिस्ट्री ब्रांच में देखेंगे तो अगेन फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें होना चाहिए, केमिस्ट्री, सॉइल साइंस या सॉइल कंजर्वेशन में। डेवलपमेंट ब्रांच पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड रेलेवेंट टू एग्रीकल्चर और फ्रॉम एनी रिकॉग्निशन या फिर ग्रेजुएट इन ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, ये होना चाहिए। तो ये इंटरव्यू वाली ब्रांच थी, ये एग्जामिनेशन थे, और ये इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जामिनेशन, सॉरी ये वाला हमारा रिटर्न एग्जामिनेशन था। ओके देन एज लिमिट की अगर आप देखेंगे तो 21 से लेके 40 इयर्स तक के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स रहता है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शन है उनको आप देख सकते हैं, ऐसा कोई खास इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट इसके अलावा बाकी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो सिलेबस दिया हुआ है और जो एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पे परीक्षा की योजना, प्रथम चरण प्रारंभिक, तो इसमें सामान्य अध्ययन एवं कृषि दोनों रहेगा, और ये कैसा रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा। अगेन कितने क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जीएस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे और एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चंस रहेंगे। जो मार्क्स दिए गए हैं वो 2.5 दिए गए हैं, मैक्सिमम 300 रहेंगे, और 2 आवर्स का ये पेपर रहेगा। और जो मेंस होगा वो कैसा होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न होगा इसमें 3 पेपर होंगे, जिसमें कि पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जीएस का हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो दूसरा है वो सामान्य हिंदी और निबंध का रहेगा, और तीसरा है वो जो वैकल्पिक विषय मतलब कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे रहने वाला है। सो ये 3 पेपर इसमें रिटर्न में होने वाले हैं, और उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ओके सो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है, इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पे सबका सिलेबस दिया हुआ है कि जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना है, ये वही सिलेबस है जो हर टाइम हमें दिखता है, सारे ही सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो ओवर एंड अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएससी एग्रीकल्चर एज वेल एज जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये इस लेवल की वैकेंसीज बहुत कम ही हमें देखने को मिलती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से अभी अपने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड जो भी स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।